जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में तैनात एक सुरक्षा एजेंसी के गार्डों द्वारा आए दिन स्थानीय एवं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ की जाने वाली अभद्रता एवं मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा ही एक मामला रविवार को भी देखा गया, जहां सुरक्षा गार्डों ने मंदिर के एक सेवायत गोस्वामियों को भी नहीं बख्शा। मंदिर के अंदर सेवा गोस्वामी के साथ सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई जमकर मारपीट के कारण जहां मंदिर में अफरा तफरी मच गई, वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वहीं सेवायत गोस्वामियों द्वारा सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर अनिल कुमार से इस मामले में शिकायत किए जाने पर उनके द्वारा भी गोस्वामियों से अभद्रता की गई। घटना को लेकर अन्य गोस्वामियों में भी आक्रोश व्याप्त है। मंदिर के समीप मोहन बाग में गोस्वामी समाज मंदिर प्रबंधक पुलिस की मौजूदगी में इस विवाद को लेकर वार्ता के लिए पहुंचे, यहां भी जमकर हंगामा हुआ। गोस्वामी समाज मंदिर प्रबंधन में दोषी सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी से हटाने और माफी मांगने की कही। गोस्वामी परिवार के साथ जो अभद्रता उसके बारे में बताइए। मंदिर के अंदर ऐसी कोई विशेष घटना नहीं हुई है, केवल गोस्वामी समाज का और सिक्योरिटी गार्ड का आपस का थोड़ा विवाद का मामला है जो अब सुलझाया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कुछ श्रद्धालु भी जिद्दी टाइप के आ जाते हैं, ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड आक्रोश में आगे हो सकता है कुछ बदतमीजी कर जाए, लेकिन उन गार्डों को हटा दिया जाता है। जैसे ही संज्ञान में आते नहीं क्यों मारेंगे, उनको हटा दिया जाता है, तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा ऐसे गार्डों को। नहीं, प्रबंध समिति से गार्डों को ऐसा कोई आदेश नहीं है कि वो किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी के साथ मारपीट करें। सबसे हाथ जोड़ के राधे राधे करते हुए व्यवस्था बनानी है, यही सबको आदेश दिया जाता है। नहीं, जब घटना की समीक्षा होती है तो ज्यादातर दर्शनार्थियों की उसमें गलती पाई जाती है, और दर्शनार्थी पहले से भी मारपीट कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है। सौजी मंदिर, मेरी बेटी 4 नंबर गेट से आ रही, 10 साल की बेटी है। क्या नाम है? साथ मेरी 6 साली भी थी। नाम क्या बेटी का? वो 15-16 साल की बेटी का नाम मन्नत गोस्वामी था। वो दोनों आ रहे थे और भोग का टाइम हो गया था, बस आधा गेट खुला हुआ था। ये लोग अपने अपने आदमियों को ले रहे थे जो पैसे दे रहे थे इन्हें, और फिर उसके बाद इन लोगों ने उनको उसको आने नहीं दिया, उसको धक्का मार दिया। जब वो बोली मैं गुस्साई की लेडी जो मेरी वो मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे पापा का नाम भलाना, तो उसमें थप्पड़ मार दिया। एक लेडीज थी उसने थप्पड़ मारा, और दोनों पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो कान में से खून आ गया। छोटी बेटी थी पत्नी घबरा गई, वो मुझसे चपक गई और रोने लगी बहुत तेज थे। इनने कोई नहीं सुनी, और जिद कर रही थी वो सिक्योरिटी वाली, ये अंदर नहीं जाएगी ये करने लगे। लेडी से क्या नाम है तुम्हारा? महिला गार्ड का क्या नाम है? महिला गार्ड के बाद उन्हें उनका हेड बाद हेड आया वो उसने आगे वो गोस्वामी आगे में हमने शिकायत करी इस बात की। महिला गार्ड का क्या नाम है साहब से? महिला गार्ड का क्या नाम है इसने मारा है? उसका नाम हमें नहीं पता। दीना शायद, दीना शायद नाम है। हम शिकायत मेरे हिसाब से करने गए इनके से G4S के से, तो उसने कहा कि सब गुस्साई बाहर आ जाओ, हम सबको मारेंगे लेन लगा के। उसकी शिकायत पहले उन्होंने गेट छोड़ के सब गेट बंद कर दिया। क्या जाते हैं आवाज करके मंदिर बंद होने से पहले सब जने बाहर आ गए, गुस्साई को मारने के लिए सारे इकट्ठे हो गए। सीसीटीवी नंबर 1 पे सीसीटीवी लगा हुआ है, सारे गार्ड गोस्वामी को मारने के लिए गेट नंबर 1 पे खड़े हो गए। ये आप देख सकते हैं वहां जाके गोस्वामी समाज अपने मैनेजर, गोस्वामी समाज अपने मैनेजर साहब से, मंदिर के जो मैनेजर है मुनीश जी, उनसे शिकायत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। मंदिर में जिस तरह से यात्री परदेशियों से बदतमीजी होती है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। गोस्वामी समाज की बच्चियों से इस तरह मारपीटी करी गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। अगर हमारे समाधान नहीं हुआ और इस तरह से मारपीट होती रही, तो हम आंदोलन भी करेंगे, कोर्ट जाना होगा कोर्ट भी जाएंगे, जिस स्तर से जा सकते हैं यात्री परदेशियों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जो कर सकते होंगे वो करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। तत्काल में हमारी मांग ये है कि जिन जिन लोगों ने गोस्वामियों से, जिन जिन लोगों ने यात्री परदेशियों से बदतमीजी करी है, कैमरे देखे जाए, उनसे उनको तत्काल प्रभाव सस्पेंड किया जाए, और G4S की जो गार्ड है, जो लोकल है, इन सबको हटाया जाए यहाँ से। यहाँ इनका कोई काम नहीं है। हमने इनसे ये कहा है कि इनके टोटल 60 गार्ड हैं। इन लोगों ने हमें ये बताया है कि यहाँ पे इनके टोटल 60 गार्ड लगे हुए हैं। हमने इनसे ये कहा है कि 8 दिन में 30 गार्ड चेंज कर दो, और बचे हुए 30 गार्ड आप 8 दिन में चेंज कर दो। ट्रेंड होने चाहिए वो, ये नहीं होना चाहिए कि यात्री परदेशियों से मारपीट कर रहे हैं। उनको सारी चीजों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोलने की तमीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मारपीट करते हैं तो इसमें बदनामी ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज की होती है, वहां के सेवायतों की होती है, संपूर्ण ब्रजवासियों की होती है।
इस तरह की बदतमीजी यात्री परदेशियों से, गोस्वामी समाज से, ब्रजवासियों से कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यही सब मांग लेके हम अपने मैनेजर साहब के पास आए हैं। सीधा सीधा बताओ, एक हफ्ते का समय आपने दिया है, एक हफ्ते का समय आधे लोगों को हटाने के लिए और आधा फिर एक हफ्ता बढ़ा के, उन्होंने कहा कि आदमी नहीं है बुला लो, उन्होंने कहा है कि आदमी, हमने कहा है आदमी बुला लो इतने नाम से, हमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। पर जिन लोगों ने बदतमीजी करी है, जिनने मेरी बेटी को, भतीजी को मारा है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए पद से अपने से, और इस तरह की बदतमीजी आगे